चार्ट पर भी राय लेंगे, उससे पहले एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेंगे। सिद्धार्थ जी, एक तो जो पेंट स्पेस में अभी डिसरप्शन है ग्रासिम का, कल बिरला साहब ने कहा 10,000 करोड़ का रेवेन्यू अगले 3 साल में इनका पेंट बिजनेस से आना चाहिए और 6 प्लांट्स इन टोटल बिरला के खुलेंगे ग्रासिम के अंडर, इस पर अपनी राय दें। आज ब्रोकरेजेस की भी थोड़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री आई है ग्रासिम पर। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव है ग्रासिम के लिए, आने वाले 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी पे आ सकती है, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ग्रासिम डेफिनेटली पॉजिटिव है। और ये मैं मानता हूं कि कंपटीशन जरूर करेगा सभी प्लेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग एशियन पेंट्स। अब ये देखना रहेगा कि किस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नए री इन्वेंट हो रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मुश्किलों का दौर रह सकता है आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर के लिए। बर्जर हो गया, कंसाइन एरोलेक हो गया, तो एशियन पेंट को भी तकलीफें होगी, बट मैं मानता हूं कि जो कांटे की टक्कर रहेगी वो एशियन पेंट और ग्रासिम के बीच में रहेगी। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से वो अपने आप को री इनोवेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग टाइम्स है इनकमेंट्स के लिए, बट ग्रासिम के लिए काफी पॉजिटिव होगा। ओके, इस पर रखिए नजर। वागले साहब, एक बार चार्ट्स पर राय देते हैं, क्योंकि टॉप गेनर है लगातार तीसरे दिन, आई थिंक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ ग्रासिम खुल रहा है, चार्ट्स पर राय दें सर इसके। दीपांशु, कल सुबह भी आपने पूछा था और मैंने कहा था ये 2350-2360 जाना चाहिए, हालांकि मेरा कल का व्यू गलत हो गया था, क्योंकि कल एक करेक्टिव मूव आया था जो 2120 लेकर तक आकर फिर बाउंस हुआ, लेकिन मेरा व्यू बदला नहीं है। मुझे लगता है 2220 के ऊपर ये 100 रुपए की 120 रुपए की मूव देना चाहिए, ये मेरा पोजिशनल व्यू है 2 से 3 दिन में भी 4 दिन, और जब तक ये 2120 के नीचे जाता नहीं है एवरी डिप में इसमें बाय करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए डिप में खरीदारी करने की राय ग्रासिम में आती हुई। ग्रासिम हमने भी इसी खबर पर रिकमेंड किया था, लेकिन उस समय थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एक बार डिप आया था और बाद में ये स्टॉक एक्शन में आता हुआ।